Hey guys, this is Creative Zikra. How are you all? तो आज हम बनाने जा रहे हैं तलवीना, which is also called as barley in English. And this is recommended by Prophet Muhammad, peace be upon him. And अगर आप सफ़र कर रहे हो through illness, depression और sadness, आप से ये ज़रूर खाइएगा. You can recover it very easily. And believe me, जितने इसके benefits हैं उतना ही ये tasty भी बहुत होता है. So let's have a start. यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 लीटर्स ऑफ मिल्क, इसे मैंने उबाल लिया है. इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 150 ग्राम्स ऑफ तलबीना, दैट इज़ बाली. इन्हें मैंने सोक कर लिया था ओवरनाइट, एंड मैक्सिमम यू कैन सोक इट फॉर ओवरनाइट एंड मिनिमम 8 आवर्स. सो आफ्टर सोकिंग मैं इसका इसे ड्रेन आउट कर लूँगी, पानी निकाल दूँगी पूरा, एंड आई एम गोना ऐड दिस इनटू अ मिल्क. अब इसे अच्छे से हम स्टर कर लेंगे. This is a bit time-consuming process, but recipe is very easy and थोड़ा सा time लगेगा, पर इसका output भी बहुत ही अच्छा आता है. So I'm using here 8 to 10 dates, that is khajur. इसका color भी बहुत ही अच्छा आता है हमारे तलबीना में, and this also tastes very good. इसे भी मैं एक बार stir कर लूँगी, and मैंने हमारे खजूर में से seeds निकाल दिए थे. I've de-seeded them. इसे मिक्स कर हम इसे 15 मिनट तक उबालने के लिए रख देंगे, एंड उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी एकदम थिक सी हो जाएगी. जैसा कि आप देख सकते हो, आफ्टर 15 मिनट्स दिस हैज टर्न्ड वेरी थिक एंड एकदम परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी आ चुकी है. बार्ली भी अच्छे से कुक हो चुकी है हमारी. आप देख सकते हो डेट्स ने भी बहुत ही अच्छे सा कलर दे दिया है हमारे मिल्क को. ऑफ गोज द फ्लेम राइट नाउ. यस, जैसे कि आपने देखा है बहुत ही इजी सी रेसिपी है. जस्ट 2 मोर इंग्रेडिएंट्स यू हैव टू ऐड इन, बट मेक श्योर आफ्टर स्विचिंग ऑफ द फ्लेम. मैंने यहाँ पर लिए है ड्राई फ्रूट्स, दैट इज स्लाइस किए हुए कैश्यू नट्स, स्लाइस किए हुए बादाम, दैट इज आलमंड्स, एंड स्लाइस किए हुए पिस्ताशोज. मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आखिर के लिए भी, गार्निशिंग के लिए भी रखूंगी जब हम सर्व करेंगे वो, जब मैं इसे ऐड कर दूंगी. एंड यहाँ पर मैंने लिया है जैगरी. आई हैव टेकन 100 ग्राम्स ऑफ जैगरी यानी कि गुड़. यूजुअली हम इसमें हनी यूज़ करते हैं, बट हनी मैं आखिर में बोल्स में सर्व करते वक्त, गार्निश करते वक्त डालूंगी. एंड राइट नाउ आई एम यूजिंग जैगरी. अगर आपके पास अवेलेबल है हनी तो यू कैन ऑल्सो यूज़ हनी इंस्टेड ऑफ दिस. इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. मेक श्योर कि आप जब भी कोई मिल्क का आइटम बना रहे हो, आप मेक श्योर करिए कि आप फ्लेम बंद कर ही ऐड कर रहे हो, वरना दूध फूटने के चांसेस बहुत होते हैं. एंड मैंने इसे बोल में निकाल लिया है, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, आई एम गार्निशिंग इट विथ हनी. Honey really give out a very beautiful color plus taste to a talbina. So make sure कि आप ये add कर रहे हो. And मैंने इसके ऊपर dry fruits भी add कर दिए थे. आप इसका beautiful सा look देख सकते हो. Thank you so much friends. Do not forget to subscribe this channel. Bye bye.